गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑल ऑफ यू. माय सेल्फ गुलशन अख्तर, एंड आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डू 30 टाइप्स ऑफ रिसर्च. सो आज के सेशन पूरा आपका थ्योरी सेशन होगा. क्वेश्चंस भी होंगे एंड में, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे हम इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिटेल में जानने वाले हैं. सो पूरा आपका एक रिविजन होगा टाइप्स ऑफ रिसर्च का, सीखने को मिलेगा उन टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में जो हमें नहीं पता थी या हमें कन्फ्यूजन थी. सो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एवरीवन. सो डू क्विकली ज्वाइन मी, एंड ज्वाइन कर लिया है बहुत से लोगों ने, लाइक कर दो. ऑल्सो प्लीज इस सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे ऑल्सो कैन बिकम पार्ट ऑफ आर क्लास. ओके, ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम आपके एग्जाम्स तक बहुत सारे अलग से वीडियोज लेते रहेंगे, क्लासेस लेते रहेंगे. जैसा मैंने कल रात को एक क्लास लिया था 10 बजे, कल रात को मैंने 10 बजे एक क्लास लिया था, एंड दैट वॉज टाइप्स ऑफ वैलिडिटी. सो इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं और लेके आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाएं. ठीक है, चलो. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन. आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड. सब बढ़िया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस, ऑल फाइन, ऑल डन. ठीक है. सो हाउ आर यू पीपल डूइंग, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? सब बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. मैं बिल्कुल ठीक हूं, एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड टू. चलो, काफी लोग आ गए हैं क्लास में, सो हम क्लास को अब स्टार्ट करते हैं. कहाँ लिया था मैंने क्लास? यूट्यूब पे लिया था, इसीलिए बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी और इतने इंपॉर्टेंट आपके जो सेशंस हैं वो मिस हो जाएंगे. तो कल मैंने 20 मिनट्स का सेशन लिया था, सारे 6 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को डिस्कस किया था. अगर आपसे मिस हो गया है तो अभी क्लास के बाद यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाके इस सेशन को जरूर से देख लेना, बिकॉज ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. आई कैन सी एवरी वन इज डूइंग गुड. सब बढ़िया चल रहा है, पीपीटी वगैरह भी सब ठीक है. सो हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक, अब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे. ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट छोटी सी इंफॉर्मेशन है उसके साथ. आज होगा आपका रात के 9 बजे एक और क्लास, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस करूंगी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम्स में आपके जनरली मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग, मॉडरेटर, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स. ये सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको हम जल्दी से क्विकली डिस्कस करेंगे. सो 10 से 15 मिनट्स का सेशन होगा यूट्यूब के ऊपर रात के 9 बजे. सो जरूर से ज्वाइन करना, आज ही है ये सेशन. ठीक है, सो मैं लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, और आपको पहले से पता भी होना चाहिए ताकि इस टाइम पे आप फ्री होके क्लास का वेट करो और क्लास देख सको. ठीक है, सो वी विल बी मीटिंग अगेन रात के 9 बजे. प्लीज मेक श्योर दैट यू नोट द टाइम एंड मीट मी शार्प एट 9 PM. चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि स्केल्ड डाउन टीचिंग कौन सी होती है. सो ऑलमोस्ट मुझे सारे आंसर सही मिले थे कि स्केल डाउन टीचिंग कौन सी होती है. द आंसर इज माइक्रो टीचिंग. एब्सोल्यूटली राइट, हमारी स्केल डाउन टीचिंग इज माइक्रो टीचिंग. अच्छा, क्यों हम इसको स्केल डाउन टीचिंग बोलते हैं? स्केल डाउन टीचिंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हर कुछ कम होता है, क्लास का साइज छोटा होता है, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बैठे होते हैं वो कम होते हैं. एक्चुअली ये ट्रेनिंग है, टीचर को हम ट्रेनिंग देते हैं जिस सेटअप में, उस सेटअप को माइक्रो टीचिंग बोलते हैं. तो टीचर अच्छे से ट्रेन कर पाए खुद को, इसलिए हम क्लास का जो ड्यूरेशन है वो छोटा रखते हैं. 5 मिनट आओ, एक चीज पढ़ाओ और जाओ. अब जब आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाओगे तो अपने ऊपर आपका कमांड होगा, एंड देयरफॉर आप अच्छे से उस काम को कर पाओगे. क्लास साइज भी छोटा होता है, इसलिए हर कुछ यहाँ पे छोटा है. वी कॉल इट माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग के मैंने फेजेस पूछे थे आपसे, तो फेजेस आपके माइक्रो टीचिंग के 3 होते हैं. नॉलेज एक्विजिशन, पहले टीचर को ज्ञान दिया जाता है, तो नॉलेज एक्विजिशन फेज होगा पहला आपका. देन आपका होता है स्किल एक्विजिशन फेज, जहां पर वो स्किल्स को अक्वायर करता है, प्रैक्टिस करके सीखता है, और फिर आपका ट्रांसफर फेज होता है.
ठीक है, लास्ट इज योर ट्रांसफर फेज. सो ये आपके तीन फेजेस हैं माइक्रो टीचिंग के, नॉलेज, देन स्किल एंड देन ट्रांसफर फेज. अच्छा, माइक्रो टीचिंग की मैंने साइकिल पूछी थी आपसे, तो माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है वो है प्लान, टीच, ऑब्जर्व. ठीक है, पहले आप प्लान करोगे, फिर आप पढ़ाते हो, फिर ऑब्जर्वेशन होता है जिसके बेसिस पे आपको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है. ठीक है, तो यहां पर आएगा ऑब्जर्वेशन, आपका टीचर करेगा, फीडबैक मिलेगा, फिर आप रीप्लान करोगे, फिर आप रीटीच करते हो. ठीक है, सो ये जो पूरा आपका साइकिल होता है, इस साइकिल में आपको 36 मिनट्स लगते हैं. ये पूरी साइकिल में आपको 36 मिनट्स लगते हैं. एक बार जब पढ़ाने के लिए जाओगे तो वो 6 मिनट में हो जाता है, लेकिन जो पूरी साइकिल होती है उसमें आपको लगते हैं 36 मिनट्स. चलिए, सो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक. एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च को समझते हैं. सबसे पहली हमारी जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, दैट इज योर बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च यू ऑल नो कि क्या होता है. बेसिक रिसर्च को सबसे पहले तो हम फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं. इसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और इसको हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं. राइट, बेसिक, फंडामेंटल, प्योर, कंसेप्चुअल नाम हमें जो इसके अलावा जो भी नाम होते हैं ना वो पता होने चाहिए. एग्जाम में अक्सर वो आपसे अदर नेम से क्वेश्चन पूछते हैं. अब बेसिक रिसर्च हमेशा होती है फॉर नॉलेज. हम ये रिसर्च हमेशा नॉलेज अक्वायर करने के लिए करते हैं. इस रिसर्च के अंदर रिसर्चर का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि वो नॉलेज को गेन कर ले. थ्योरी बना सकता है वो नॉलेज गेन करके, नई प्रिंसिपल वो खोज सकता है, लेकिन इस रिसर्च में कभी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होगा. नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ठीक है, मतलब मैं इसलिए खोज नहीं कर रही हूँ कि मुझे कुछ काम है, कोई प्रॉब्लम है मेरे सामने तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगी अपने ये रिसर्च करके. नहीं, बेसिक रिसर्च जब भी की जाती है तो वो की जाती है सिर्फ एक रीजन से, वो ये है कि मैं नॉलेज गेन करूंगी, कोई थ्योरी बना सकती हूँ. तो अक्सर क्या होता है, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि ये क्या है, इसको जान लें, इसको समझ लें, तो इसके लिए आप बेसिक रिसर्च करोगे. एक एग्जाम्पल हो सकती है, राइट, एक एग्जाम्पल हो सकती है बेसिक रिसर्च की. जितनी आपके सामने थ्योरीज हैं, एजुकेशन की थ्योरी ले लो, तो वो थ्योरी बस वो सिद्धांत है जिसने बताया है कि किस तरह से लर्निंग होती है. हम एक लर्निंग की थ्योरी लेते हैं तो उसने सिर्फ इतना बता दिया कि किस तरह से लर्निंग होती है, दैट्स इट. उसने हमें ज्ञान दिया और वो साइड हो गया. सो ये बेसिक रिसर्च है. ठीक है, तो बेसिक रिसर्च में कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है, हमेशा नॉलेज गेन करने के लिए होती है. और ये रिसर्च को हम फंडामेंटल, प्योर, कंसेप्चुअल के नाम से भी जानते हैं. बेसिक रिसर्च की जस्ट ऑपोजिट होती है अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च हम जब भी करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं. तो जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है तो हम अप्लाइड रिसर्च करेंगे. ये हमारी रिसर्च प्रैक्टिकल इन नेचर होती है. अब देखो, एक बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था. सो आपसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा ये गया था कि हम स्किनर की थ्योरी को, क्वेश्चन देखो टीचर क्या कर रहा है, टीचर स्किनर की थ्योरी को अपने क्लास में अप्लाई कर रहा है, ये कौन सी रिसर्च होगी. तो बहुत से लोगों ने टीचर नाम पढ़ते ही इसको क्या कर दिया था कि ये एक्शन रिसर्च है, लेकिन नहीं. जब भी कोई थ्योरी को लेके हम अप्लाई करके अपना प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढते हैं तो वो होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च. मतलब बेसिक रिसर्च ने अगर हमें कोई भी नॉलेज दी है और उस नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, यूज करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, सो दैट विल ऑलवेज बी अप्लाइड रिसर्च. इस बात को गांठ बांध लो कि कहीं भी हमारी बेसिक रिसर्च ने कोई नॉलेज दी है, थ्योरी दी है, उसको अप्लाई करके अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो, इट हैज टू बी अप्लाइड रिसर्च. हाँ, यहाँ पे आपका है आंसर अप्लाइड रिसर्च. बात समझ में आ गई. तो अप्लाइड रिसर्च हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होगी, प्रैक्टिकल होती है इन नेचर. आपकी बेसिक रिसर्च ने जो भी आपको नॉलेज दी है उस नॉलेज का आप यूज करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड अप्लाइड रिसर्च में हमेशा होता है जनरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
अप्लाइड रिसर्च में होता है जनरलाइजेशन, मतलब हम अपनी प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन खोज रहे हैं ना, उसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी सोल्यूशन निकाला है तो वो हमारी पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा। एग्जाम्पल, मेरे सामने प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ाऊं। ठीक है, अब कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ाऊं, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर इस पे रिसर्च किया जाएगा तो ये रिसर्च करके जो सोल्यूशन मिलेगा वो हर जगह अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए आपने रिसर्च की थी वो सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो। अब ये जो सोल्यूशन आपको मिला है, इट विल बी अप्लाइड एवरीवेयर। इज इट क्लियर गाइस? सो इसलिए एक्शन रिसर्च, सॉरी अप्लाइड रिसर्च के अंदर होता है आपका जनरलाइजेशन, और यहाँ पर प्रॉब्लम भी कैसे ली जाती है, जनरल प्रॉब्लम ली जाती है, सामान्य मुद्दों को लिया जाता है। यहाँ आपकी लोकल प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये समस्या मेरे लिए है, यहाँ जनरल प्रॉब्लम होगी, जैसे स्पीड को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। रैगिंग की प्रॉब्लम 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि रैगिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो कौन सी रिसर्च होगी, अगेन अप्लाइड रिसर्च होगी। एक और छोटा सा पॉइंट, अप्लाइड रिसर्च को हमेशा एक्सपर्ट करता है। एक्सपर्ट मतलब रिसर्चर्स हमेशा अप्लाइड रिसर्च को करते हैं। इसी का नेक्स्ट आता है एक्शन रिसर्च। अब देखो, एक्शन रिसर्च अलग नहीं है, एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च ओनली। काफी लोग सबसे पहले कंफ्यूज जाते हैं कि अप्लाइड एक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप पहले ये जान लो कि इट इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च ओनली। लेकिन अब क्या इसमें अलग है, तो इसमें अलग ये है कि हम अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के लिए इस रिसर्च को करते हैं। ठीक है, इस रिसर्च को हमेशा हम लोकल प्रॉब्लम के लिए करते हैं। ये रिसर्च किसी सिचुएशन में अगर इंप्रूवमेंट चाहिए, सुधार चाहिए, तब ये रिसर्च की जाती है। अच्छा, लोकल प्रॉब्लम मतलब जो मेरी प्रॉब्लम हो। तो अक्सर आपको क्वेश्चन जब भी एक्शन रिसर्च के ऊपर पूछेगा ना, वो जरूर ये लिखेगा कि जैसे कोई टीचर है उसके क्लास में, इन हिज और हर क्लास। अब हिज और हर क्लास मतलब उसकी प्रॉब्लम है, तो ये एक्शन रिसर्च है। तो एक्शन रिसर्च हमेशा होता है लोकल प्रॉब्लम के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जनरली होता है। तो क्वेश्चन जब एक्शन रिसर्च पे पूछेगा उसमें कहीं ना कहीं सुधार, इम्प्रूवमेंट ऐसा कुछ लिखा होगा। ऑल्सो एक्शन रिसर्च जब आप करते हो तो उसकी एक साइकिल होती है। एक्शन रिसर्च अपनी ही साइकिल को फॉलो करता है, विच इज POR। आप प्लान करोगे, उस प्लान के ऊपर फॉरन से एक्ट कर जाओगे और देखोगे क्या डेटा मिल रहा है, और उसके बेसिस पे रिफ्लेक्ट करोगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नया प्लान फिर से बनाए। ठीक है, सो अगर हम साइकिल की बात करें तो एक्शन रिसर्च का साइकिल है POR, मतलब हम हमेशा इसी साइकिल को फॉलो करके रिसर्च करते हैं। एक्शन रिसर्च और ये रिसर्च हमारा प्रैक्टिशनर करता है फॉर, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस रिसर्च इज डन बाय, यस, प्रैक्टिशनर। एमिलायरेट भी बोलते हो आप इंप्रूवमेंट को, एब्सोल्युटली। ये रिसर्च प्रैक्टिशनर करता है, मतलब जैसे जिसकी प्रॉब्लम है वही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर कर सकता है ये रिसर्च, प्रिंसिपल कर सकता है। तो जहां भी ये प्रॉब्लम है वहीं पर वो पर्सन उस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दैट इज योर एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च में लोकल प्रॉब्लम होगी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक्शन रिसर्च में नो जनरलाइजेशन, इसमें जनरलाइजेशन नहीं होता है बट लोकल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, लोकल एप्लीकेशन मतलब मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिसर्च करी, तो मैं ही उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा वो अपनी प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाऊंगी। आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके अपनी प्रॉब्लम में नहीं लगा सकते। ठीक है, सो दिस रिसर्च विल ऑलवेज बी डन बाय प्रैक्टिशनर। दिस रिसर्च इज डन फॉर लोकल प्रॉब्लम, इसमें जनरलाइजेशन नहीं होता है, और ये रिसर्च हम इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, जो भी हमारी लोकल प्रॉब्लम होगी। इट इज टाइप ऑफ एक्शन अप्लाइड रिसर्च, और इस रिसर्च को दिया था कर्ट लेविन ने। नाम याद रखना क्योंकि उन्होंने 2021 में भी नाम पूछा था कि ये रिसर्च किसने दी थी। ओके, इमीडिएट एप्लीकेशन होता है, यस, यहाँ पर इमीडिएट आप सोल्यूशन ढूंढते हो, इमीडिएटली अप्लाई कर लेते हो। चले, इट इज कोलैबोरेटिव इन नेचर, मिलजुल के आप करते हो। तो डेफिनेटली एक्शन रिसर्च के जितने कीवर्ड्स यहां पर लिखे हैं, इन कीवर्ड्स को करके आप देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एक्शन रिसर्च के ऊपर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपकी जो इम्पोर्टेंट रिसर्च आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च. अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं दैट यू शुड बी नोइंग. नाम से तो आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च नाम से ही बता देता है कि मैं वो रिसर्च हूँ जिसमें नंबर्स का यूज होगा. सो हमारा जो डेटा होता है ना, डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है हमेशा. ठीक. नेक्स्ट जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो हमेशा होती है स्ट्रक्चर्ड. क्यों स्ट्रक्चर्ड? मतलब ये रिसर्च हमेशा प्लान्ड होती है क्योंकि ये रिसर्च हम हमेशा चीजों को प्रूव करने के लिए करते हैं. ठीक. सो ये रिसर्च हम हमेशा प्रूव करने के लिए करते हैं इसलिए ये रिसर्च स्ट्रक्चर्ड होती है, ये रिसर्च कंप्लीटली प्लान्ड होती है. अब देखो मुझे कोई चीज सिर्फ प्रूव करनी है, मतलब मुझे उसके बारे में पहले से नॉलेज है. यस, तभी तो प्रूफ करने जा रहे हो. अब अगर पहले से उसके ऊपर आपको नॉलेज है तो दैट मीन्स आप प्लान करके काम कर सकते हो. यस, तो इसलिए ये रिसर्च हमेशा स्ट्रक्चर्ड होगी, प्लान्ड होगी, क्योंकि ये रिसर्च होती है प्रूफ करने के लिए. ये रिसर्च हम कभी भी डिस्कवरी के लिए नहीं करते हैं. मतलब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है किसी भी एरिया में, आपको ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो यू कैन नॉट डू क्वांटिटेटिव रिसर्च. ठीक है, आप कभी भी उसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर सकते हो इफ यू डू नॉट हैव नॉलेज. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमेशा प्रूविंग के लिए ये रिसर्च की जाती है, इसलिए हमारा अप्रोच यहाँ पर होता है डिडक्टिव. इसमें हम डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं बिकॉज ये रिसर्च हम प्रूव करने के लिए करते हैं. यस, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जब भी आप रिसर्च करोगे तो आप बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में जाते हो, फिक्स्ड मैनर में रिसर्च करते हो. बस डेटा कलेक्ट करोगे इन फॉर्म ऑफ नंबर और प्रूफ करके देखोगे कि क्या वो हमारा जो डेटा है वो मेरी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था. सो क्योंकि हम यहाँ प्रूफ करते हैं, यहाँ पे होता है जनरलाइजेशन. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूविंग करते हैं इसलिए ये रिसर्च के अंदर हमेशा जनरलाइजेशन होता है. मतलब हमने जो भी सैंपल के ऊपर रिसर्च करी है इसका रिजल्ट मैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकता हूँ. ये जो भी हमारा डेटा मुझे प्रूव करके है, जो भी रिजल्ट मुझे मिला है, इट विल बी अप्लाइड एवरीवेयर. लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरलाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च की इसका जो सैंपल होता है वो हमेशा बड़ा होता है, सैंपल का साइज बड़ा होता है, क्योंकि आप यहाँ पे सुपरफिशियल डेटा कलेक्ट करते हो. सुपरफिशियल डेटा कलेक्शन होता है मतलब ऊपर ऊपर से डेटा कलेक्ट करते हो, और जब आप ऊपर ऊपर से डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना तो आपका डेटा बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि आप एक वैलिड कंक्लूजन पे पहुंच सको. नाउ ऊपर ऊपर से डेटा कलेक्ट होता है मतलब रिसर्चर बिल्कुल डिटैच्ड होता है स्टडी से, वो स्टडी में डेप्थ तक नहीं जाता है, ही इज डिटैच्ड फ्रॉम स्टडी. और ये रिसर्च बहुत ऑब्जेक्टिव होती है. ऑब्जेक्टिव मतलब कि यहाँ पर रिसर्चर बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जाएगा चीजों के, बस वो ऊपर ऊपर से चीजों को स्टडी करेगा और लाके कंक्लूजन दे देगा. तो यहाँ सैंपल साइज बड़ा होता है. रीजन सैंपल साइज बड़ा होने का है कि हम ऊपर ऊपर से चीजों की स्टडी करते हैं. तो जब आप कोई चीज गहराई तक चले जाओगे तब तो आप सब कुछ डिटेल में समझ ही जा रहे हो, लेकिन ऊपर ऊपर से जब स्टडी कर रहे हो तो आपको ज्यादा डेटा चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंच सको. नेक्स्ट, रिसर्चर कभी भी डिटेल्स में इमर्ज नहीं होता, ही ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द स्टडी. डेटा कलेक्ट करेगा और सिंपली वो आके आपको डेटा का कंक्लूजन दे देगा, एंड देयरफॉर ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है. यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, आपको क्या नहीं लग रहा है, उसका हमें कोई मतलब नहीं होता है. बस जो डेटा कहेगा हम उसको ही लेके चलेंगे. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर आएंगे तो क्वालिटेटिव रिसर्च बिल्कुल उल्टी होती है क्वांटिटेटिव के. ये रिसर्च हमेशा किया जाता है डिस्कवरी के लिए. आप बोल सकते हो कि जब मुझे डिस्कवर करना है ना चीजों को तो हम कौन सी रिसर्च करेंगे, क्वालिटेटिव. मतलब जो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है किसी एरिया में तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च के तरफ ही जाओगे. क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर बहुत इनडेप्थ रिसर्च करता है, या आप बोल सकते हो कि वो बिल्कुल इमर्ज्ड होता है सिचुएशन में. अब इमर्ज्ड इन सिचुएशन, देखो इसके ऊपर बहुत सारे आपके अलग अलग क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं.
ठीक है, जैसे एक एक क्वेश्चन ये था कि रिसर्चर फील्ड स्टडी कर रहा है, वो फील्ड पे जाके सब कुछ अपनी अपनी नजरों से देख रहा है तभी वो रिपोर्ट कर रहा है। कौन सी रिसर्च है? क्वालिटेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरी सिचुएशन में इमर्स्ड हूं, मैं डिटेल में जा रही हूं, तो इट हैज टू बी अ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये रिसर्च हमेशा डिस्कवरी के लिए होती है, इन डेप्थ होती है, रिसर्चर गेट्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन। अगेन क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी अनस्ट्रक्चर्ड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस रिसर्च इज अनस्ट्रक्चर्ड। क्यों? ये रिसर्च हमारी अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए होती है, पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म मत बोलो इसको, ये आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविज्म नहीं कहा जाएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च पोस्ट पॉजिटिविज्म है, दैट इज सेपरेट थिंग, वो पैराडाइम है आपका। ठीक है, हाँ जी। सो इफ आई टॉक अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च, तो डिस्कवरी के लिए करते हो, इनडेप्थ होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब इसका कोई प्लान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं खोज रही हूं ना, मुझे पहले से कुछ पता नहीं है यहाँ पे। अब जब मुझे पहले से कुछ नॉलेज नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है, मैं एक एक स्टेप बढ़ूंगी आगे। अभी मैंने देखा क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट, उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट जाऊंगी। ठीक है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। अच्छा, ये रिसर्च हमेशा, इसका जो अप्रोच होता है वो स्पाइरल होता है, स्पाइरल इन नेचर होती है। स्पाइरल इन नेचर मतलब कि वो घुमावदार होती है। अभी आप जो करोगे उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट होगा डिसीजन, अब नेक्स्ट आपको जो भी फाइंडिंग हुई है उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट डिसीजन होगा। तो ये रिसर्च हमेशा क्या होती है? स्पाइरल इन नेचर होती है, और आपका डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है एक्सेप्ट नंबर्स। डेटा आपके नंबर्स के अलावा वर्ड्स में हो सकते हैं, पिक्चर्स में हो सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, एंड इस रिसर्च को में हमेशा सब्जेक्टिविटी होगी। ठीक है, इस रिसर्च में हमेशा सब्जेक्टिविटी होती है, दैट मींस कि पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव को, पार्टिसिपेंट्स के व्यू पॉइंट को रिसर्चर लेके चलता है। वो हमेशा ये देखेगा कि आपको क्या लग रहा है, आपको क्या नहीं लग रहा है, इस सिचुएशन में क्या हमारा सही है, हमारी कंक्लूजन, या इस सिचुएशन में क्या चीज सही नहीं है। इसलिए यहां पर होता है कॉन्टेक्स्टुअल जनरलाइजेशन, यहां पे होता है कॉन्टेक्स्टुअल जनरलाइजेशन। क्या मतलब है कॉन्टेक्स्टुअल जनरलाइजेशन का? कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जनरलाइज कर सकते हैं। ओवरऑल जनरलाइजेशन नहीं होगा, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन इस सिचुएशन में ये चीज अप्लाई हो जाएगी। जैसा आपने देखा सब्जेक्टिविटी होती है, मतलब आपको क्या लग रहा है। अब जब आपको क्या लग रहा है लेके हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका ओवरऑल जनरलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यस। सो आप इनिशियली क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो, नॉलेज गेन करते हो, बाद में जाके उसको प्रूव करोगे, तब वो फिर क्या होगा, उसका जनरलाइजेशन हो सकता है, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। यहाँ डेटा आपके नंबर्स के अलावा हर जगह, मतलब हर फॉर्म में हो सकते हैं। और क्योंकि रिसर्चर बहुत इनडेप्थ इमर्स्ड होता है, इसलिए आपका जो सैंपल साइज होता है वो लार्ज होता है, आपका सैंपल का साइज हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में पहले से नॉलेज नहीं होती, मैंने आपको बता दिया ये बात। यहाँ डिस्कवर करते हो, ये रिसर्च बिना नॉलेज के नहीं किया जा सकता। प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्लास में, बिकॉज ऑब्वियसली हमें 30 टाइप्स ऑफ रिसर्च करनी है, तो रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है क्लास में। अच्छा चले, कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है इसी सिचुएशन में, इसी स्थिति में आपका मैं एप्लीकेशन कर पाऊंगी, हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉन्टेक्चुअल जनरल, हाँ जी सॉरी मैंने लार्ज लिख दिया बात करते करते, इस स्मॉल होगा, प्लीज मेक दिस करेक्शन एवरीवन, स्मॉल सैंपल होता है। ठीक है, हाँ जी। सो कॉन्टेक्चुअल जनरलाइजेशन होता है, मतलब यहीं पर अप्लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट रिसर्च जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड रिसर्च। फिक्स्ड रिसर्च कुछ और नहीं है, क्वांटिटेटिव ही है। नाम कभी इसको फिक्स्ड लिख दिया जाएगा, ठीक है, और कभी कभी आपके फिक्स्ड रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च को स्ट्रक्चर्ड रिसर्च के नाम से आपके सामने रखेंगे, या कभी कभी साइंटिफिक नाम रिसर्च के नाम से रखेंगे आपके आगे। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो फिक्स्ड रिसर्च या स्ट्रक्चर्ड रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च क्वांटिटेटिव ही होती है। फाइन, सो प्लीज इसका नाम नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपसे अलग नाम से पूछा जा सकता है। अच्छा, फिक्स्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर कुछ प्री प्लान्ड होता है,
और यहाँ रिसर्चर फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो बिल्कुल रिजिड वे में काम करता है, उसका काम सिर्फ प्रूफ करना है, तो वो डेटा कलेक्ट करेगा, प्रूफ कर देगा. तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, एंड हेंस इट इज व्हाट योर फिक्स्ड रिसर्च. नेक्स्ट आपका पॉइंट है फ्लेक्सिबल. तो फ्लेक्सिबल होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसको आप स्पाइरल के नाम से भी जानते हो और अनस्ट्रक्चर्ड के नाम से भी जानते हो. क्यों यहाँ पर हमने इसको फ्लेक्सिबल बोला है? क्योंकि रिसर्चर हमेशा क्या करेगा, जिस तरह के उसको डेटा मिलेगा, जिस तरह की उसकी फाइंडिंग होगी, उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट स्टेप देखता जाएगा. तो यहाँ वो बहुत रिजिड होके काम नहीं करता, बट वो जिस तरह से उसके रिसर्च में सिचुएशन आ रही है, वो उस तरह से अपनी प्लानिंग करके आगे बढ़ता चला जाता है. ठीक है, देयरफॉर वी कॉल इट व्हाट, फ्लेक्सिबल रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च को ही फ्लेक्सिबल बोलते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, मिक्स रिसर्च. ठीक है, तो अब मिक्स रिसर्च क्या होता है, हम सारे पॉइंट्स पे आएंगे. देखो, मुझे पता है बहुत सारी ऐसे कंफ्यूजन्स हैं, तो वो जो कंफ्यूजन है वो तभी दूर होगी जब सारा टॉपिक आप पढ़ लोगे कि इसको आईपीजी डीजीपी किसको बोलते हैं. सो कुछ देर के लिए आप मेरी बात सुनो, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछना. ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, तो उसको हम एक एक करके समझते चलते हैं. मिक्स रिसर्च क्या है? मिक्स रिसर्च वो है जहां पर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों करते हैं. अब बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे खोजना भी है, डिस्कवर भी करना है, और जब वो डिस्कवर हो जाएगा मैं उसको प्रूफ भी करूंगी. या कई बार हमारी रिसर्च ऐसी होती है ना कि मुझे ये तो जानना है कि कितनी पॉवर्टी है दुनिया में, या हमारे इंडिया में कितनी गरीबी है और क्यों. तो देखो, मुझे अगर ये जानना है गरीबी कितनी है, तब तो मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कर लूंगी. लेकिन क्यों है गरीबी, क्या रीजन है, और लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं. देखो, मेरी रिसर्च में दोनों चीजें आ गई है ना, मेरी रिसर्च में दोनों चीज आ गई कि मुझे नंबर्स के फॉर्म में भी रिसर्च करनी है और मुझे फिर उसको डिटेल में भी जाके देखना है. तब ऐसी सिचुएशन में आप करते हो मिक्स्ड रिसर्च. सबसे बड़ी यही, ठीक है, सबसे बड़ी यही कंफ्यूजन है, सबसे बड़ी यही आपको प्रॉब्लम है कि मिक्स रिसर्च को ट्राइंगुलेशन बोलते हैं. ये बात बहुत एकदम साफ कर लो, दिमाग से निकाल लो, मिक्स रिसर्च इज नॉट ट्राइंगुलेशन. मैं लिख दूंगी इसको, क्योंकि मुझे हर क्लास में मिक्स नाम आते ही सबसे पहले आता है ट्राइंगुलेशन. अरे नहीं होता ट्राइंगुलेशन. ट्राइंगुलेशन is data collection method and not it is not mixed research. लिख लो और एकदम दिमाग में डाल लो. ठीक है, it's not mixed research. चले पहले हम mixed research क्या है उसको समझ लें. तो mixed research is actually what? मिक्स रिसर्च इज एक्चुअली वॉट, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों को इकट्ठे करना. और कई बार, या हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में, हमें ऐसी ही रिसर्च करनी पड़ जाती है जहां पर हमको डिटेल में भी इंफॉर्मेशन चाहिए और नंबर्स के फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन चाहिए. तो फिर हम मिक्स रिसर्च के तरफ जाते हैं. मिक्स रिसर्च में हम डिस्कवर भी कर रहे होते हैं, प्रूफ भी कर रहे होते हैं, कुछ नंबर्स के फॉर्म में भी डेटा ले रहे होते हैं, कुछ हम इन डेप्थ के फॉर्म में भी डेटा ले रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज मिक्स रिसर्च. अब बात आती है ट्राइंगुलेशन की. तो ट्राइंगुलेशन क्या होता है? ट्राइंगुलेशन एक मेथड होता है जहां से आप डेटा कलेक्ट करते हो. दैट मीन्स कि जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हमें डेटा कलेक्ट करना होता है ताकि हम और एक्स्ट्रा श्योर हो पाए कि मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही किया है. तो ट्राइंगुलेशन बेसिकली एक मेथड है, वेरिफिकेशन का बोल सकते हो. जब मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं वेरीफाई करना चाहती हूँ मैं सही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, एक बार क्वांटिटेटिव मेथड से डेटा कलेक्ट किया. जैसे आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है क्या, तो एक रेटिंग ले ली मैंने, आप सबको मैंने बोला 5 में से मुझे रेट कर दो, तो एक रेटिंग तो आ गई. अब मैं और श्योर होना चाहती हूँ कि नहीं, क्या आप एक्चुअली मेरी क्लास को पसंद कर रहे हो कि बच्चों ने बस ऐसे ही कुछ भी दबा दिया. तो मैंने क्वालिटेटिव डेटा भी इसके ऊपर कलेक्ट कर लिया. मतलब मैंने एक बार उनको क्या किया, लिख के बोला कि प्लीज डिटेल में मुझे बता दो, फीडबैक दे दो मुझे. ठीक है, तो अब मैं अपने फीडबैक को और रेटिंग को मैच करूंगी कि क्या जो बच्चों ने मुझे रेटिंग दी और जो फीडबैक दिया है वो एक जैसा है. यही ट्राइंगुलेशन है. ट्राइंगुलेशन एक वेरिफिकेशन मेथड है जहां पर आप अलग अलग तरह से डेटा कलेक्ट करते हो ताकि आप एक्स्ट्रा श्योर हो सको या वेरीफाई कर सको. ठीक है, क्लियर हो गया.
यस एग्जैक्टली राइट। ट्रायंगुलेशन हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं, जब हम श्योर नहीं होते हैं, जनरली सोशल रिसर्च में हमें लगता है कि नहीं डेटा कुछ गलत तो नहीं है, तो हम ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करते हैं ताकि अपने डेटा को वेरीफाई कर सकें। दैट इज इट। चले नेक्स्ट रिसर्च की तरफ चलते हैं, विच इज इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च इसी को बोलते हो IPG, और ये रिसर्च होती है डिस्कवरी के लिए। जब आपको डिस्कवर करना है चीजों को तो हम क्या करेंगे, इंडक्टिव रिसर्च करते हैं। नाम के आपको याद रखने के लिए, आई से इनोवेशन होता है ना, तो उसको याद रख लो। आई से इनोवेशन होता है तो आप इनोवेशन याद रख लो। अब इनोवेशन मतलब मैं कुछ खोज रही हूं, मैं कुछ निकाल रही हूं नया। यस, सो इंडक्टिव रिसर्च में हमेशा हम जब नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, जब आपको बहुत नॉलेज नहीं होती है किसी एरिया की, तब आप क्या करोगे, इंडक्टिव रिसर्च का यूज करते हो। ठीक, इंडक्टिव रिसर्च में आप हमेशा एक एक पर्टिकुलर केस को लेते हो, ये कैसा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर केस लिया, ये कैसा है, क्या समझ में आ रहा है, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ते जाते हो और पैटर्न बनाते चले जाते हो। और जब पैटर्न बन जाता है तो उसके ऊपर फिर क्या करते हो, आप अपनी एक थ्योरी दे देते हो या एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हो। तो इस तरह से इंडक्टिव रिसर्च करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे मुझे कुछ पता नहीं है, किसी एक विलेज में मैं गई हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ बीमारी क्यों हो रही है, लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। तो अब ये जानने के लिए कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, जब मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं तो कुछ पेशेंट से मिलना शुरू करूंगी, मैं देखूंगी उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और पेशेंट से एक एक करके मिलूंगी, देखूंगी सब में कॉमन क्या है, क्या एक वजह है जिससे कि ये सारे बीमार पड़ रहे हैं, क्या कुछ कॉमन है इनके बीच में, वही मेरा पैटर्न बनेगा और वही पैटर्न से फिर मैं थ्योरी दूंगी। ठीक है, दिस इज इंडक्टिव रिसर्च। तो इंडक्टिव रिसर्च में आप पर्टिकुलर से जनरल के तरफ जाते हो, दैट मींस आपने एक एक केस को लिया और फिर आपने जनरल बनाया। ठीक है, अच्छा, अब इंडक्टिव रिसर्च, यहाँ पे क्वेश्चन था साइंटिफिक होता है क्या। इंडक्टिव रिसर्च डिस्कवर कर रहे हो, डिस्कवर हम करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, और क्वालिटेटिव रिसर्च को मैंने साइंटिफिक नहीं बताया, तो ये साइंटिफिक नहीं होता। बेसिकली ये रिसर्च आपकी क्या होती है, ये भी स्पाइरल इन नेचर होगी। आप साइंटिफिक जब भी होगा ना, उसमें हमेशा प्लान होगा, उसमें हमेशा स्ट्रक्चर होगा। साइंस आपकी क्या होती है, साइंस ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है, साइंस स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर आप एक एक करके चीजों को जैसा आपको मिल रहा है वैसा आगे बढ़ते जाओगे, इसलिए इंडक्टिव रिसर्च को साइंटिफिक नहीं बोलोगे। तो यही मैंने बोला कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जब ध्यान से सुनोगे तब क्लियर होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि आप एग्जामिन कर रहे हो कि केसेस को, जैसा समझ में आएगा, जैसा पैटर्न मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे। तो इंडक्टिव रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज करते हैं। जो अप्रोच है, जो मेथड है, हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, वो इंडक्टिव अप्रोच ही है। फाइन एवरीवन, इज इट क्लियर। अब क्योंकि इंडक्टिव रिसर्च है, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव रिसर्च है, तो यहां पर हमारा जनरलाइजेशन नहीं होता है। क्यों जनरलाइजेशन होगा, आप सोचो, अगर मैं एक विलेज में गई और मैंने एक विलेज में देखा यहां लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं और मुझे समझ में आया कि ये रीजन है, तो क्या हर जगह ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। इसके लिए तो फिर मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रूव करना होगा चीजों को जाके। सो इसलिए इंडक्टिव रिसर्च में जनरलाइजेशन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां भी हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च होता है DGP। ये रिसर्च हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास नॉलेज ना हो, जब तक हमारे पास थ्योरी ना हो जिसे मुझे प्रूव करना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप डिडक्टिव रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो ये रिसर्च क्यों होती है, प्रूव करने के लिए होती है। डिडक्टिव रिसर्च में आपका काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी थ्योरी है, यहां पर आपको थ्योरी मिल गई है, यहां पर आपको कुछ ना कुछ एक नॉलेज मिल गई है, अब उस नॉलेज को वेरीफाई करोगे आप। कैसे करोगे वेरीफाई, आपने नॉलेज लिया जो कि जनरल है, आपके लिए जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, डीजीपी होता है। डिडक्टिव रिसर्च में जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हो, नॉलेज लिया जो कि जनरल है, इसके ऊपर अपनी एक हाइपोथेसिस बनाओगे जिसको आपको प्रूव करना है, इसी हाइपोथेसिस के ऊपर आप डेटा कलेक्ट करोगे और डेटा कलेक्ट करके प्रूफ कर दोगे, वैलिडेट कर दोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो जब कोई चीज प्रूफ हो जाती है तब उसका जनरलाइजेशन भी होता है।
कि यस ये हर जगह अप्लाई होगा. सो इसलिए जनरलाइजेशन हमेशा डिडक्टिव में होगा, प्रूविंग आपकी डिडक्टिव में होती है, और डिडक्टिव रिसर्च में आप तब तक रिसर्च नहीं कर सकते जब तक नॉलेज ना हो या आपके पास उसके ऊपर आइडिया ना हो. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट नेक्स्ट रिसर्च जिसके ऊपर हम आएंगे वो है एथनोग्राफी. ये जो एथनोग्राफी रिसर्च है इसको लिया गया है जनरलाइजेशन क्यों नहीं होता, प्लीज वापस से देखो रिकॉर्डिंग, मैंने बताया आपको भी जनरलाइजेशन क्यों नहीं होता. ठीक है, कॉन्सेंट्रेट प्लीज एवरीवन इन द क्लास. यस, अब देखेंगे हम एथनोग्राफी. तो एथनोग्राफी को एक वर्ड से लिया गया है विच इज एथनोस. वन मिनट. एथनोस, और एथनोस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल. तो आप क्या स्टडी कर रहे हो, लोगों की स्टडी कर रहे हो, ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी कर रहे हो. और ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी में आप क्या कर रहे हो, उनके वे ऑफ लाइफ को स्टडी कर रहे हो. ठीक है, वे ऑफ लाइफ को स्टडी कर रहे हो. वे ऑफ लाइफ मतलब क्या हो गया, उनके कल्चर की स्टडी कर रहे हो, मतलब उनके जीवन जीने के तरीके को आप स्टडी करते हो, दैट इज एथनोग्राफी. मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे होमवर्क में पूछा था कि जब आप लोगों की लाइफ स्टोरी को देखोगे तो वो कौन सी रिसर्च होगी, तो बहुत से लोगों ने बोला था एथनोग्राफी होगी. तो अब इस बात को क्लियर कर लो कि हम लोगों की लाइफ स्टोरी नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम लोगों के जीवन जीने का तरीका स्टडी कर रहे हैं. जैसे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो कौन सी वैल्यूज होल्ड करते हैं, उनकी बिलीव्स क्या है. ठीक है, उनका आप बोल सकते हो कि लैंग्वेज, वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड, आपने सब कुछ यहाँ पे उनका स्टडी किया, कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं. तो दैट इज व्हाट एथनोग्राफी रिसर्च इज. एथनोग्राफी रिसर्च में जनरली जो रिसर्चर है वो जाके रहता है पर्टिकुलर कल्चर में और लोगों को गौर से, नजदीकी से ऑब्जर्व करता है. तो एथनोग्राफी में जनरली वो तीन मेथड्स से डेटा कलेक्ट करता है. एक तो होता है ऑब्जर्वेशन, वो जाके खुद देखेगा. देन इसके साथ साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्चर वहां के लोगों का इंटरव्यू ले सकता है उनसे. अगर ऑब्जर्व करके, ऑब्वियसली मुझे सब कुछ नहीं पता चलेगा, तो मैं इंटरव्यू लूंगी और फिर मैं उनसे क्वेश्चनेयर भी दे सकती हूँ कि कुछ आंसर्स दे दो मुझे लिख के, ताकि मैं उसको डिटेल में स्टडी कर लूँ. सो एथनोग्राफी इज बेसिकली अ रिसर्च जहां पर हम लोगों के ग्रुप की स्टडी करते हैं. किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के कल्चर की स्टडी करने को ही हम एथनोग्राफी रिसर्च बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज केस स्टडी. अब केस स्टडी क्या होती है, एक पर्टिकुलर केस लिया मैंने और उस केस को मैंने इन डेप्थ स्टडी किया, ताकि मैं यहां पे समझ सकूं कि क्या है ये केस, और फिर इसके जैसे सिमिलर केसेस को, ठीक है, सिमिलर केसेस को मैं और अच्छे से समझ सकूं. एग्जाम्पल मैं यहां पर देती हूं. ठीक है, यहां पर एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका जो केस स्टडी है उसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मुझे जानना है एचपी लैपटॉप की जो सेल्स है वो क्यों घट रही है. अगर सेल्स घट रही है तो क्यों घट रही है, मुझे जानना है. ये रिसर्च करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि मार्केट में देखो कौन सा ऐसा लैपटॉप है जिसकी सेल्स बढ़ रही है. ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलो डेल लैपटॉप, इसकी सेल्स बढ़ रही है. अच्छा ठीक है, तो अब मैं डेल लैपटॉप को स्टडी करूंगी डिटेल में, क्या क्या इनके पास है जिससे सेल्स बढ़ रही है. फिर मैं वापस आऊंगी और फिर मैं देखूंगी कि अच्छा हमारे लैपटॉप में क्या क्या नहीं है. फिर हम कंपेयर करके पता लगा पाएंगे कि इसकी सेल्स घट रही है तो क्यों घट रही है, और इसकी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है. तो केस स्टडी हमेशा क्या होता है, किसी एक केस को लोगे, एंड केस क्या होगा आपका, केस होगा हमेशा आपका रियल लाइफ केस. ठीक है, ये हमेशा रियल लाइफ केस होगा, और उस रियल लाइफ केस की रिसर्चर करेगा इन डेप्थ स्टडी. कभी कभी हो सकता है कि उसी केस को समझने के लिए वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझने के लिए कि क्या है क्यों है, हम करते हैं केस स्टडी, या सिमिलर केसेस को समझ पाने के लिए हम करते हैं केस स्टडी. ठीक है, सिमिलर केसेस को स्टडी कर पाने के लिए हम करते हैं केस स्टडी मेथड को यूज, या केस स्टडी रिसर्च को यूज. नेक्स्ट वी हैव फिनोमिनोलॉजी. फिनोमिनोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है आपका, फिनोमिनन और लॉजी. फिनोमिनन का मतलब होता है कोई सिचुएशन, और लॉजी का मतलब होता है उसकी स्टडी.
ठीक है। सो जब आप किसी सिचुएशन की स्टडी कर रहे होते हो और इस सिचुएशन में स्टडी क्या करोगे, लोगों के एक्सपीरियंसेस को, अनुभव को, जिन्होंने इस सिचुएशन को जिया है उनके अनुभव की जब आप स्टडी करते हो, ये फिनोमिनोलॉजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोविड पेशेंट्स की सिचुएशंस को या मैं कोविड पेशेंट के एक्सपीरियंसेस को पूछूं उनसे जाके, ठीक है, कि आपको जब कोविड हुआ था तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया था, दैट विल बी फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी में दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई वॉर हुआ, उसके बाद वॉर के बाद कुछ हस्बैंड्स थे उनको कैप्टिवेट कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। अब उनकी वाइफ के एक्सपीरियंस को पूछा जाए कि इस वॉर के बाद जब आपके हस्बैंड्स को कैप्टिवेट कर लिया गया तो फिर आपकी लाइफ कैसी थी, आप अपने एक्सपीरियंसेस को बताओ, तो वो फिनोमिनोलॉजी है। तो फिनोमिनोलॉजी में जिसने उस घटना को जिया है, एक बार क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि फिनोमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, द आंसर वाज लिव्ड एक्सपीरियंस। जिया है अगर एक्सपीरियंस तभी, उसका दूसरा ऑप्शन क्या था, साइम्यूलेशन था, नहीं। हम सोच के नहीं बोलेंगे कि अच्छा अगर मैं ऐसा फील, मैं ऐसी सिचुएशन में होती तो ऐसा फील करती, नहीं। जिसने उस सिचुएशन को जिया है उसी का आप रिसर्च करोगे, उसी के एक्सपीरियंस को देखोगे, तो वो फिनोमिनोलॉजी होता है। ठीक है, यस। तो व्हाट इज फिनोमिनोलॉजी? फिनोमिनोलॉजी है कि लोगों ने कैसा एक्सपीरियंस किया उस चीज को। इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन वुमेन्स इन इनफॉर्मल सेक्टर, नहीं, इट इज नॉट फिनोमिनोलॉजी। उनपे क्या असर पड़ा, दिस इज नॉट फिनोमिनोलॉजी। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, अगर वुमेन्स ने एक्सपीरियंस किया है कोविड को तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, दैट विल बी फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, नो दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर आएंगे। तो फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, आपने उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया तो क्या फील किया उसमें, दैट्स इट। अब नेक्स्ट आता है आपका फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप भी हमारा एक रिसर्च करने का तरीका है जिसमें हम कुछ लोगों को, 6 to 8 एक्सपर्ट्स को लेते हैं, या 6 to 8 पर्सन्स को आप बोल सकते हो लेते हो, और आप यहाँ पे 6 to 8 पर्सन्स को लेके एग्जाम्पल्स, दो दो मैंने दी आपको, कोविड पेशेंट्स और वॉर वाली, फाइन। अगर मिस हो गया तो वापस से एक बार एग्जाम्पल प्लीज देख लेना। वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, वी कांट डू रिपीटेशंस। अच्छा, फोकस ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये वो रिसर्च मेथड है जहां पर हम 6 से 8 एक्सपर्ट्स को या पर्सन्स को लेते हैं और उनको फिर हम डिटेल में इंटरव्यू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किसी भी एरिया के बारे में जिसके ऊपर हमें नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड आया, ठीक है, जब कोविड आया, अब कोविड क्या है अगर मुझे ये जानना है तो बेस्ट कौन होगा, डॉक्टर्स को ले लूं मैं और डॉक्टर से पूछूं कोविड क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि वो पेशेंट्स को डील कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो सबसे ज्यादा नॉलेज उन्हें है इस एरिया में। ठीक, तो फोकस ग्रुप क्या हुआ, फोकस ग्रुप में हुआ कि हम 6 से 8 एक्सपर्ट्स को लेते हैं। एक्सपर्ट्स मतलब वो लोग जिनको इस एरिया में नॉलेज हो। रिसर्चर जनरली इस मेथड को तब लेता है जब उसको खुद बहुत ज्यादा पता नहीं है एरिया के बारे में और उसके पास इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल नहीं है कि जो उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाए, तो फिर वो एक्सपर्ट्स के तरफ जाता है और एक्सपर्ट्स को जाके इंटरव्यू करता है, इन डेप्थ उनसे क्वेश्चंस पूछता है और फिर कंक्लूजन पे आता है, जिस भी टॉपिक के ऊपर उसको चाहिए होता है अंडरस्टैंडिंग, उसकी वो अंडरस्टैंडिंग लेता है। नेक्स्ट इज इन डेप्थ इंटरव्यू। डिटेल में जाके इंटरव्यू लेना, दैट इज इन डेप्थ इंटरव्यू। अब इन डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है, 20 से 25 मिनट, इवन 30 मिनट्स भी होता है, कि एक एक पर्सन से हम डिटेल में इंक्वायर करते हैं। ठीक है, आप डिटेल में एक एक पर्सन से, यस, डिटेल में एक एक पर्सन से आप क्या करते हो, इंटरव्यू लेते हो, दैट इज इन डेप्थ इंटरव्यू। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में मेथड यूज किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, जहां पर एक पर्सन होगा, 20 से 25 मिनट आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस आप पूछते हो, कुछ आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है कि आप पहले से प्लान करके बैठे हो कुछ चीजें और फिर जिस तरह के रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं उस तरह से आप क्या कर रहे हो, और क्वेश्चंस ऐड करे जा रहे हो अपनी मर्जी से, दैट इज स्ट्रक्चर्ड। एंड अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट दोनों होता है। तो फोकस ग्रुप में
यस, फोकस ग्रुप इज बेसिकली एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करना, इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, बहुत डिटेल में इंक्वायरी करना ताकि आप समझ पाओ लोगों के पर्सपेक्टिव को. तो ये रिसर्च हम क्वालिटेटिव मेथड के अंदर करते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम गहराई से जब डेटा कलेक्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो हम इस मेथड को यूज करते हैं, दैट इज इन डेप्थ इंटरव्यू. नेक्स्ट आते हैं नैरेटिव रिसर्च पे. नैरेटिव रिसर्च क्या होती है? लोगों की लाइफ स्टोरी होती है. आप अपनी स्टोरी को मुझे बताओ, मैं आपकी लाइफ स्टोरी को सुनूंगी और मैं आपकी लाइफ स्टोरी को सुन के ये जानने की कोशिश करूंगी कि आप किस तरह से चीजों को देखते हो, आपका वर्ल्ड व्यू क्या है. तो यहां पर क्या है, ठीक है, यहां पर क्या है कि हम आप किस तरह से चीजों को देखते हो, आपके नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं नैरेटिव रिसर्च के अंदर. फिनोमिनोलॉजी में बस आपका एक्सपीरियंस लिया था, यहां पर मैं आपकी बोलूंगी अपनी लाइफ स्टोरी बताओ. और जब आप अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे हो ना, तो फिर मैं देखूंगी कि आप किस तरह से चीजों को देख रहे हो. जैसे मैंने एक क्रिमिनल के पास में गई, एक एग्जांपल है, ठीक है, गई नहीं हूं, मैं क्रिमिनल के पास गई, मैंने उससे बोला तुम बताओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तुम बताओ अपने बारे में बताओ तुम, तो वो अपना बताने लगेगा, ऐसे था वैसे था, उसने सब कुछ अपना बताया. तो मुझे उसकी स्टोरी सुन के समझ में आए कि ये किस तरह से चीजों को देखता है, ये किस तरह से चीजों को समझता है, ये नैरेटिव रिसर्च होती है. तो नैरेटिव रिसर्च पूरी लाइफ की स्टोरी होती है, और आप अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी जब यहां पर वर्णन करोगे तो इससे रिसर्चर समझ पाएगा आप चीजों को कैसे देख रहे हो, दैट इज द नैरेटिव रिसर्च. अच्छा, इसका जो नैरेटिव रिसर्च होती है उसमें रियल स्टोरी भी हो सकती है आपकी, दैट मीन्स आपने क्या किया है, अपनी लाइफ स्टोरी बताई है रियल, एंड हाँ जी, और ये भी हो सकता है आपकी नैरेटिव रिसर्च में कि आप सिंपली कोई भी स्टोरी अपने से बना के बता रहे हो, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है एज वेल एज स्टोरी टेलिंग मेथड, खुद याद करने के लिए बोल सकते हो, बट इसका नाम नैरेटिव ही है. अच्छा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिसर्च बहुत साइंटिफिक है, तो रिसर्च में अपनी मर्जी से उसको नाम नहीं दोगी. हाँ, लेकिन खुद याद रखने के लिए अपने नाम जो भी आपको लगे वो आप उसको डाल सकते हो. तो यहाँ रियल स्टोरी भी हो सकती है और आपकी लिटरेरी भी हो सकती है, मतलब आप खुद से स्टोरी बना के आप उसको बता भी सकते हो. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पूरी तरह से रियल हो. आपसे बोले किसी चीज की स्टोरी बताओ तो आप अपनी स्टोरी बता रहे हो, एंड वो आपकी स्टोरी के बेसिस पे रिसर्चर देख रहा है आप किस तरह से चीजों को देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो नैरेटिव. फिनोमिनोलॉजी में आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसको बस वर्णन करते हो, नैरेटिव में पूरी लाइफ की स्टोरी बताते हो. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस. चलो नेक्स्ट, इट कुड बी ऑटोबायोग्राफी और इट कुड बी अ स्टोरी जो आपने मेकअप किया है. नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल रिसर्च. तो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है पास्ट की स्टडी. ये रिसर्च अलग तरह से होती है, और इस रिसर्च में हम सिर्फ पास्ट को समझने के लिए रिसर्च करते हैं. हिस्टोरिकल रिसर्च के 3 स्टेप्स होते हैं. आप डेटा कलेक्ट करते हो, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में जनरली सेकेंडरी डेटा ही यूज होते हैं, प्राइमरी भी यूज हो सकता है, बट जनरली आप क्या करते हो उसमें डेटा कलेक्ट करते हो जो पहले से अवेलेबल है, बुक्स के फॉर्म में, बुक्स में है, कोई जर्नल है, कोई आर्टिकल है, वहां से आपने डेटा कलेक्ट किया. इसके बाद आप हमेशा करते हो उस डेटा का क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म में पहले होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और फिर होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म. ठीक, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म मतलब जो सोर्स है, जो स्रोत है, क्या वो स्रोत सही है, जहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो सोर्स पे आप डिपेंड कर सकते हो, वो सोर्स पे आप रिलाई कर सकते हो. देन होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म, जहां पे आप देखते हो जो लिखा हुआ है अंदर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है. तो आप जब कंटेंट को वेरीफाई करते हो तो दैट इज इंटरनल क्रिटिसिज्म, और एक्सटर्नल होता है जब आप सोर्स को देखते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा पास्ट की जब आप स्टडी करते हो तो दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च, उसमें पहले डेटा कलेक्ट करोगे, फिर डेटा का क्रिटिसिज्म होगा, एक्सटर्नल इंटरनल होगा, एंड देन, ठीक है, एंड देन क्रिटिसिज्म करने के बाद आप क्या करते हो, कंक्लूजन देते हो. सो इस रिसर्च को हम इसी तरह से करते हैं. इस रिसर्च में सिंपली डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट कर लिया तो डेटा कलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ोगे, आप करोगे इसके ऊपर क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म हो जाएगा आपका तो नेक्स्ट आप करोगे. 17th मिस हो गया, चलो मैं देख लेती हूँ. पहले आप जो मैं बता रही हूँ उसको समझ लो, ठीक,
क्या हमने यहाँ पे पढ़ा कि आप डेटा कलेक्ट करे, क्रिटिसिज्म की और फिर उसके बेसिस पे आपने सिंपली रिपोर्ट कर दिया, कंक्लूजन दे दिया कि भाई ये हो रहा है। हो गई बात क्लियर, हो गई सबको? ठीक है, यस। आप मैनिपुलेट नहीं करते, बस आप स्टडी करते हो एज इट इज और आके रिपोर्ट कर देते हो। मतलब आप यहाँ पर जैसा आपने इन्फॉर्मेशन पाई है उसको आके यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, हाइपोथेसिस नहीं बनाते हो। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप हाइपोथेसिस नहीं बनाओगे। अच्छा, सेवेंथ नंबर, सेवनटींथ नंबर की आपकी जो रिसर्च थी जो मुझसे मिस हो गई है, वो है ग्राउंडेड थ्योरी। अब ग्राउंडेड थ्योरी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है जहां पर आप थ्योरी डेवलप करते हो। अब यहां ग्राउंडेड थ्योरी में होता क्या है कि रिसर्चर पहले से जो एग्जिस्टिंग आपकी, ठीक है, पहले से सेकेंडरी ज्यादा यूज होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में, एज आई जस्ट सेड। प्राइमरी भी यूज होता है, इट्स नॉट लाइक कि आप प्राइमरी डेटा बिल्कुल नहीं यूज करोगे, बट क्योंकि पास्ट रिसर्च है तो पहले से आपके पास डेटा होगा, तो रिसर्चर्स जनरली सेकेंडरी लेता है बट वो प्राइमरी भी लेता है। लिख लो इस बात को, भूल मत जाना, ठीक है। अभी सब कुछ आएगा। आगे अब हम देखते हैं ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है। तो ग्राउंडेड थ्योरी है जब आप थ्योरी डेवलप कर रहे होते हो। अच्छा, अब जब आप थ्योरी डेवलप करोगे ना ग्राउंडेड थ्योरी में, तो पहले से कोई भी थ्योरी प्रेजेंट है उसको नहीं लोगे। यहां रिसर्चर खुद से डेटा कलेक्ट करता है और तब तक उस पॉइंट के ऊपर डेटा, ठीक है, वो डेटा तब तक कलेक्ट करता रहता है जब तक कि उसके पास थ्योरेटिकल सैचुरेशन ना हो जाए। थ्योरेटिकल सैचुरेशन आप उस पॉइंट को बोलते हो जहां पर उसको लग रहा है कि नहीं, इससे ज्यादा मुझे डेटा की जरूरत नहीं है, मेरे पास इनफ डेटा हो गया है जिसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन दे सकती हूँ, ठीक। तो रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर ने बोला कि अच्छा मुझे थ्योरी डेवलप करनी है, तो उसने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। उसने तब तक डेटा कलेक्ट किया जब तक कि उसके ऊपर सैचुरेशन ना हो जाए, मतलब उसको लगे कि नहीं इनफ डेटा है, और फिर बस उसी डेटा के बेसिस पे वो कंक्लूजन दे देगा। मतलब कंक्लूजन में वो एक थ्योरी दे देगा आपको, ठीक है। दिस इज योर ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में थ्योरी डेवलप होती है, इसमें रिसर्चर कभी भी पहले से एग्जिस्टिंग थ्योरी डेटा को नहीं देखता है, वो खुद से फ्रेश डेटा कलेक्ट करेगा, जब तक करता जाएगा तब तक, जब तक कि उसके पास थ्योरेटिकल सैचुरेशन नहीं हो जाए, और वो कंक्लूजन दे देगा। नहीं, ये बेसिक रिसर्च से अलग है। ओके, नेक्स्ट 19th है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये रिसर्च के अंदर नाम ही है, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो जब आपके सामने सिचुएशन होगी नई, ठीक, जब आपके सामने नई सिचुएशन है, जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पता नहीं है, तब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो। इस रिसर्च को हम फॉर्म्यूलेटिव रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। इस रिसर्च को यू ऑल्सो नो कॉल इट एज फॉर्म्यूलेटिव रिसर्च, क्योंकि हम यहाँ हर कुछ फॉर्म्यूलेट कर रहे हैं, हम बेस सेट कर रहे हैं, ठीक है, हम बेस सेट कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, तो आप सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करोगे उस एरिया में जहां पर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये रिसर्च होती है एक्सप्लोरेशन के लिए, और ये रिसर्च हमेशा होती है नई सिचुएशन के लिए। इस रिसर्च में आप प्रॉब्लम डेवलप करोगे कि भाई प्रॉब्लम है क्या, तो एक्चुअली उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है यहाँ पे, हाइपोथेसिस को डेवलप किया जाता है कि क्या लग रहा है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली, मतलब बेसिक से पूरा रिसर्च करते हैं, एक एक चीज समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथेसिस क्या होगी, चीजों को हमने डिफाइन कर दिया। तो ये न्यू सिचुएशन के लिए होता है, सबसे पहले आपकी ये रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी, अगर आपकी रिसर्च की सिचुएशन बिल्कुल न्यू है, इसलिए आप इस रिसर्च को फॉर्म्यूलेटिव रिसर्च के नाम से जानते हो, ठीक है। यस, एग्जाम्पल इसकी ये हो सकती है, जैसे जब कोविड आया तो सबसे पहले कौन सी रिसर्च हुई, एक्सप्लोरेशन हुआ उसका कि ये है क्या, क्या हमें पता था पहले से कोविड क्या है, नहीं, तो प्रॉब्लम डिफाइन की गई, टर्म्स डिफाइन किए गए, WHO ने डिफाइन किया कि कोविड है क्या, देन हाइपोथेसिस आपने बनाई, उसके ऊपर फिर प्रूविंग आगे का काम हुआ। तो जब आपकी हाइपोथेसिस, सॉरी, जब आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी ना, तब वो किसी ना किसी नई समस्या के लिए होगी जो आपको पहले से नहीं पता है। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी नॉन कंक्लूसिव इन नेचर होती है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि कौन सी रिसर्च नॉन कंक्लूसिव होती है, द आंसर इज एक्सप्लोरेटरी, क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ इनिशियल स्टडी करके चीजों को डिफाइन किया है।
अब एक्सप्लोरेटरी कहता है इसके आगे का काम मेरा नहीं है, आप खुद समझो। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहेगा कि भाई मैंने आपको बेसिक बता दिया, अब जो करना है करो, देख लो। तो ये कभी भी आपको कंक्लूजन नहीं देता है, इसलिए ये रिसर्च नॉन कंक्लूसिव है। अगर आपको इसको और समझना है तो आप बाकी रिसर्चेस कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है जब आप चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते हो, कोई चीज है तो क्यों है। ठीक है, जब उसका वाई एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ये आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये तो पता है कि स्ट्रेस से डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा लोगे तो डिप्रेस हो जाओगे, या स्ट्रेस है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक, हमें ये तो पता है कि ये हो सकता है, लेकिन क्यों? यस, लेकिन क्यों? तो ये आपकी कौन सी रिसर्च बताएगा, कौन सी रिसर्च इसका आंसर करेगा? ये आंसर होगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, सो ये वाई का आंसर देता है एब्सोल्युटली। सो आपका जो आपका आंसर करता है वाई का, दैट इज एक्सप्लेनेटरी, हमेशा आपको बताएगा कि क्यों। अब मैंने मान लो कि कोरिलेशनल रिसर्च करी थी। कोरिलेशनल रिसर्च क्या करता है? वो सिर्फ आपको बता देता है दो चीजों में रिलेशन है क्या, लेकिन अगर आपको जानना हो क्यों है रिलेशन तो कौन सी करोगे? एक्सप्लेनेटरी करोगे। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि हमेशा ये वाई को समझाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च है, और ये रिसर्च ऐसी है जिसकी खासियत है कि यहां पे मैन्युपुलेशन होता है, हेर फेर करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो कुछ तो अपने अकॉर्डिंग बदलोगे, तब तो देखोगे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है मैन्युपुलेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा हम मैन्युपुलेट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, और कुछ चीजों को कंट्रोल भी करते हैं। अब कौन सी वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है, कौन सी वेरिएबल को ऑब्जर्व, कौन सी वेरिएबल को मैन्युपुलेट, या कौन कौन सी वेरिएबल्स होती हैं आपकी एक्सप्लोरेटरी इस रिसर्च के अंदर, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इसके ऊपर मैं एक क्लास लेने वाली हूं, मैं जल्दी से उस क्लास को एक बार आपको फिर से बता दूं। ठीक है, आज रात को ही क्लास होगा इसके ऊपर, सारे वेरिएबल्स के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कितनी वेरिएबल्स होती हैं, आज रात को 9 बजे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमें 30 रिसर्चेस करनी है, तो इतना टाइम तो नहीं है कि हम सारी वेरिएबल्स भी अभी कर लें। तो यू विल बी लर्निंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन 9 बजे। अच्छा, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जहां पे हम मैनिपुलेशन करते हैं, फिर ऑब्जर्व और कंट्रोल करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मुझे जानना है कि अच्छा, मैं क्या सनलाइट दूंगा प्लांट को, तो क्या प्लांट की ग्रोथ पे इसका असर पड़ेगा? तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। इसके साथ साथ अगर मैं ये जानना चाहूं कि अच्छा, जो मैं प्लांट को लाइट्स दे रहा हूं, मैं अगर रेड लाइट दूंगा तो क्या प्लांट की ग्रोथ अलग तरह से होगी, और वहीं अगर मैं ग्रीन लाइट दूं तो क्या इसकी ग्रोथ अलग तरह से होगी। अब आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कौन सी रिसर्च होगी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा कुछ ना कुछ हेरफेर करोगे आप, जैसे एक को ग्रीन लाइट दे दी, एक को रेड लाइट दे दी, अब ऑब्जर्व करोगे कि ग्रोथ पे क्या असर पड़ रहा है, और फिर ये सब कुछ आपका एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है, दैट मीन्स आप बाकी चीजों को एज इट इज रखने की कोशिश करते हो। ठीक, नेक्स्ट हमारी होती है एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। एक्सपोज्ड फैक्टर नाम्स में ही हमारा इसका मीनिंग छुपा है। एक्स मतलब जो हो चुका है, और जो हो चुका है आप उसकी स्टडी उसके हो जाने के बाद करो, आफ्टर, पास्ट की स्टडी आफ्टर हैपनिंग करो, तो ये एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च होता है। एक्सपोज्ड फैक्टर हम हमेशा इफेक्ट जानने के लिए करते हैं कि जो हो गया ना उसका प्रभाव क्या था। ठीक है, एग्जाम्पल, हमने मिड डे मील दी, मिड डे मील आप दे चुके हो बच्चों को, तो क्या उससे अटेंडेंस बढ़ा? दिस इज एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। तो एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च को हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिसर्च में ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने खुद कोई चीज करी, जैसे एक्सपेरिमेंटल में मैंने बताया ना, आप मैन्युपुलेट करोगे फिर देखोगे इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। यहां पर आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, बट जो चीज हो गई है उसको लेके, उसको उसको आप अपनी स्टडी में सिलेक्ट करके उसका इफेक्ट देख रहे हो।
ठीक है, दैट इज एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च. तो एक्सपोज्ड फैक्टर में जब कोई चीज हो जाती है तो उन्हीं वेरिएबल्स को आप सेलेक्ट करते हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट किया जाता है जबकि एक्सपेरिमेंटल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है. यही बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के अंदर. अब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करके अब इनके इनका प्रभाव देखना चाहते हो कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ. ठीक है, सो यू विल बी ऑलवेज ऑलवेज इन एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च. आप रिसर्च करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करके और आप इफेक्ट को जानना चाहते हो. ठीक है, आप इफेक्ट को जानना चाहते हो, दैट इज द एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च. आगे देखते हैं नेक्स्ट रिसर्च, कोरिलेशनल. ये रिसर्च सिर्फ बताता है कि रिलेशन है या नहीं, रिलेशन इज प्रेजेंट और नॉट. और ये भी बताता है कि रिलेशनशिप है तो कितना ज्यादा है, क्या डिग्री है रिलेशन का. और कोरिलेशनल रिसर्च आपको ये भी बताएगा कि डायरेक्शन क्या है रिलेशन का, सिर्फ इतना बता पाता है. तो वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि भाई क्यों है रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में. नहीं, रिलेशन है या नहीं है, है तो कितना ज्यादा है रिलेशन और किस डायरेक्शन में है. मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा. अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव रिलेशन है. लेकिन एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, या दूसरा घट रहा है तो पहला वाला बढ़ रहा है, ये इस तरह से होगा ना, तो ये नेगेटिव रिलेशन होता है. तो हमेशा ये बताएगा दो चीजों में रिलेशन है या नहीं है. डिग्री बताएगा कि कितना ज्यादा, हाई कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन है या लो है. और ये भी बताता है कि दो चीजों में रिलेशन है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, रेन एंड हार्वेस्ट. मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पानी की वजह से जो हमारी हार्वेस्ट है, जो क्रॉप की ग्रोथ है, वो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, इन दोनों में क्या रिलेशन है कोई. तो कोरिलेशनल रिसर्च करोगे तो कोरिलेशनल ऑलवेज टेल्स यू रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, दैट्स इट. ये कभी भी आपको नहीं बता पाएगा कि रिलेशनशिप है तो क्यों है, क्यों नहीं है, ऑल दीज थिंग्स. यस, नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. नाम से ही है कि ये रिसर्च हमको क्या करता है, चीजों को डिस्क्राइब करता है. चीजों को डिस्क्राइब करता है कि भाई कोई चीज है तो क्या है. बट वो डिस्क्राइब भी कैसे करता है, एज इट इज. मतलब यहां पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे और जो डेटा कहेगा ना उसको हम रिपोर्ट कर देंगे. तो डेटा ने जो भी बोला हमने उसको एज इट इज रिपोर्ट कर दिया. दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमेशा एज इट इज चीजों को डिस्क्राइब करता है, जिस भी चीज की स्टडी कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन क्या है, तो डेटा कलेक्ट करोगे, रिपोर्ट कर दोगे डिप्रेशन क्या है. पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की, डेटा कलेक्ट किया और आपने एज इट इज रिपोर्ट कर दिया. तो यहाँ पे आप इनडेप्थ नहीं जाते हो चीजों के, बस जो चीज जैसा है उसको वैसा कलेक्ट करके रिपोर्ट किया. दिस इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. और इसलिए इस रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कभी भी डिटेल में चीजों के नहीं जाते, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च भी वही करता है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी यही करता है, ऊपर ऊपर से स्टडी करेगा, डिटेल्स में नहीं जाएगा. राइट, नेक्स्ट, एनालिटिकल रिसर्च. एनालिटिकल रिसर्च पे एक आपका क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, 2020 में. हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या था कि कौन सी वो रिसर्च है जिसमें आप नो न्यू डेटा इज कलेक्टेड, मतलब आप जब भी कोई नया डेटा कलेक्ट नहीं करते वो कौन सी रिसर्च होती है, दैट इज योर एनालिटिकल रिसर्च. ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च में वी नेवर कलेक्ट न्यू डेटा, बट जो प्रेजेंट डेटा है, प्रेजेंट या बोल सकते हो अवेलेबल डेटा है आपके पास, इस प्रेजेंट या अवेलेबल डेटा को लेके आप उसकी एनालिसिस करोगे और व्हाई एंड हाउ को बताओगे कि ये चीज है तो क्यों है, कैसे है, दैट इज एनालिटिकल रिसर्च. एनालिटिकल रिसर्च में जो डेटा पहले से प्रेजेंट है उस डेटा को लिया, उसको एनालाइज किया और बता दिया क्यों. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉइज एब्सेंट हो रहे हैं तो एनालिटिकल रिसर्च डेटा लेगा कि कब कब एब्सेंट हो रहे हैं, कौन कौन एब्सेंट हो रहा है. अब इसको डिटेल में जाके स्टडी उसने किया और रिपोर्ट करा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि इस कंपनी के लोग ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं. उसने कोई नया डेटा नहीं कलेक्ट किया, जो डेटा पहले से प्रेजेंट था ना उसी को देखा. रिसर्चर ने फिर अपनी समझ लगाई इसके ऊपर और फिर उसने बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, दैट इज एनालिटिकल रिसर्च. यहाँ पे कभी भी हम नया डेटा लेके रिसर्च नहीं करते.
नेक्स्ट, ये रिसर्च अभी आपसे 2021 में पूछी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है. कई बार कंफ्यूजन होती है, जैसे इंक्रीमेंटल रिसर्च क्या है, एक्सजेटिक क्या है. तो अभी तक जो पढ़ा वो आपने कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन ये थोड़ा सा नया है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं. इंक्रीमेंटल रिसर्च, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, राइट. तो इंक्रीमेंटल रिसर्च किसी चीज को इम्प्रूव या किसी चीज को आप बोल सकते हो इंक्रीज करने के लिए की रिसर्च की जाएगी, ठीक है. दैट मींस अगर हमारे पास पहले से कोई आइडिया है, कोई प्रोडक्ट है, कोई टेक्नोलॉजी है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर हम रिसर्च करा रहे हैं तो वो इंक्रीमेंटल है. जैसे आप देखो, मोबाइल है, कोई भी एक्स कंपनी का आप मोबाइल ले लो. अब इस एक्स कंपनी का पहले से अगर मोबाइल मार्केट में होगा, और जब वो नया मोबाइल निकालेंगे, नया मॉडल निकालेंगे, तो उसमें कोई ना कोई फीचर ऐड कर देंगे. तो ये जो फीचर ऐड करते हैं, इसके पीछे भी तो रिसर्च होती है ना. जब हम कोई फीचर ऐड कर रहे हैं, इसके पीछे भी हम रिसर्च करेंगे, तो ये कौन सी रिसर्च हो जाएगी? जब हम कुछ नया जोड़ने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज इंक्रीमेंटल रिसर्च, ठीक है. यस, तो इंक्रीमेंटल रिसर्च इज एक्चुअली अ रिसर्च जहां पर आप नई चीज जोड़ने के लिए, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए, मान लो कोई आइडिया है, कोई थ्योरी है, उसी को हमें इंप्रूव करना है, तो इंक्रीमेंटल रिसर्च होगी. आपने देखा होगा, पहले कोई थ्योरी है, काफी क्रिटिसिज्म मिला, तो फिर से इस थ्योरी को रिव्यू किया गया, इसमें जो चीज गलत थी उसको हटाया गया, कुछ नया जोड़ दिया गया. दिस इज इंक्रीमेंटल रिसर्च. ओके, नेक्स्ट है सेकेंड लेवल रिसर्च. सबसे पहले हम देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ चुका है. तो सेकेंड लेवल रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन आया है कि ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक. क्वेश्चन था हमारा कि वो कौन सी रिसर्च है जहां हमारा फोकस होता है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज को एक्सप्लोर करना, कि मतलब इस थ्योरी को हम कहां कहां नई नई जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक. मतलब हमारे पास थ्योरी पहले से है, लेकिन अब इस थ्योरी को क्या हम कहीं नई नई जगह अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कौन सी रिसर्च होगी जहां पर हम इसका पता लगाएंगे. आंसर है सेकेंड लेवल रिसर्च. तो वॉट इज एग्जैक्टली सेकेंड लेवल रिसर्च? ये आपकी सेकेंडरी रिसर्च के नाम से जाना जाता है, जहां पर आप एग्जिस्टिंग डेटा को ही इन्वेस्टिगेट करते हो, जो आपके पास डेटा पहले से प्रेजेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करते हो और उसका न्यू एप्लीकेशन ढूंढते हो कि ये और कहां कहां अप्लाई हो सकता है. कोई थ्योरी है तो ये थ्योरी सिर्फ इस जगह पे ही नहीं, बट ये थ्योरी इस जगह पे भी अप्लाई हो सकती है. ये सेकेंड लेवल रिसर्च के अंदर करोगे. पहले से आपके पास रिसर्च थी, सॉरी थ्योरी थी, बस उस थ्योरी का नया एप्लीकेशन खोजा, दैट इज सेकेंड लेवल रिसर्च. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च क्या होती है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च वो होती है जहां पे आपका रिसर्चर दूर बैठ के रिसर्च नहीं करेगा, बट वो रिसर्च में खुद पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है. वो रिसर्च में खुद पार्टिसिपेट करेगा, मतलब उस सिचुएशन में खुद पार्टिसिपेट करेगा, रादर देन जस्ट ऑब्जर्विंग. तो देखो, रिसर्चर नॉट ओनली ऑब्जर्व द पार्टिसिपेंट बट ऑल्सो एक्टिवली एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स. बहुत से जो रिसर्चर्स हैं, वो जब चीजों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो वो खुद एक कोई रोल उस सिचुएशन में ले लेते हैं, मतलब वो खुद उस सिचुएशन का एक पार्ट बन जाएंगे और उसको खुद चीजों को करके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. तो यहां सिर्फ वो दूर नहीं बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, बट वो उस सिचुएशन का पार्ट बन के ही ऑब्जर्व करेगा. दिस इज पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑब्जर्वेशन रिसर्च. यस, एथनोग्राफी में यूज होता है. इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. मान लो मुझे किसी कंपनी के कल्चर को जानना है, तो कंपनी के कल्चर को जानने के लिए अगर मैं वहां के एम्प्लॉयज से पूछूंगी तो वो अच्छा ही अच्छा बताएंगे, लेकिन अगर मुझे एक्चुअली जानना है तो मैं उस कंपनी में एक पार्ट बन सकती हूँ और वहां जाके उस उनके बीच रह के उस काम को करके मैं उनके कल्चर को ऑब्जर्व करूंगी, तो दैट विल बी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, ठीक है. नेक्स्ट, एक्सजेटिक रिसर्च. ओके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आप कहीं का हिस्सा बनके रिसर्च कर रहे हो, दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च. अब हम इस रिसर्च के बारे में बात करते हैं. ये रिसर्च के ऊपर काफी सारे डाउट्स रहते हैं और काफी सारे मुझे इसके ऊपर क्वेरीज भी आए हैं कि एक्सजेटिक बता दो, एक्सजेटिक रिसर्च क्या होती है. तो बेसिकली एक्सजेटिक का जो मीनिंग होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है. यहां पर होता है एक्सप्लेनेशन करना. तो किसी टेक्स्ट
किसी मतलब जनरली ये स्क्रिप्चर्स जो होली स्क्रिप्चर्स होते हैं ना आपके होली बुक्स होती हैं उनकी एक्सप्लेनेशन होता है। तो हमने कोई भी क्या किया, कोई भी टेक्स्ट लिया, कोई भी स्क्रिप्चर्स या कोई भी आप बोल सकते हो होली बुक का कोई हमने चीज लेके उसको क्रिटिकली एक्सप्लेन किया, उसको इंटरप्रेट किया, मतलब हमने उसको एक्सप्लेनेशन दिया किसी टेक्स्ट का, दैट इज एग्जेटिक रिसर्च। पढ़ो क्या लिखा है, इट इज प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग ओरिजिनल एंड इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द पैसेज ऑफ स्क्रिप्चर। ये उस टाइम पे कहा गया था, तो क्यों कहा गया था, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी, तो उस टाइम की स्टडी करना, देखना कि इसका उस टाइम पे मतलब क्या था, ये एक्सजेटिक रिसर्च के अंदर आएगा। फाइन, नेक्स्ट और लास्ट 30th रिसर्च है फिलोसफिकल रिसर्च, जिसको फिलोसफर्स करते हैं, इसको थ्योरेटिकल रिसर्च के नाम से भी जानते हो। अब यहां पर फिलोसफर्स क्या करते हैं, वो खुद अपनी सोच से अपनी समझ को लगा के रिसर्च करते हैं, ये एम्पिरिकल नहीं होती है, ये रिसर्च नॉट एट ऑल एम्पिरिकल, मतलब वो जाके डेटा कलेक्ट करके ऑब्जर्व करके ये रिसर्च नहीं करते। फिलोसफर्स है ना, वो फिलोसफीज अपनी देते हैं, मतलब अपनी समझ उनको क्या लग रहा है, तो कोई भी पहले से थ्योरी थी, उन्होंने उस थ्योरी को पढ़ा, उस थ्योरी पे उनको क्या लग रहा है, उनकी क्या समझ है, तो उसको उन्होंने एक नई रिसर्च या एक नया आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट दे दिया, दैट इज फिलोसफिकल रिसर्च। फिलोसफिकल रिसर्च इज एक्चुअली थ्योरेटिकल रिसर्च, जहां पर हमने अपनी समझ के बेसिस पे चीजों को कंक्लूड किया कि अच्छा ये चीज ऐसे हो रही है, कोई चीज मैंने देखा कि ऐसा हो रहा है, फिर मैंने उस पर अपना दिमाग लगाया और फिर मैंने बोला ये इस वजह से हो रहा है, दिस इज फिलोसफिकल रिसर्च। ठीक है, सो यस, दीज आर 30 रिसर्च क्वेश्चंस। तो हम नहीं कर पाए, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई थी, बट नो वरीज, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में प्लान कर लूंगी। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा और आपको समझ आ गए होंगे सारे रिसर्चेस। पीएचडी के लिए आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तो पीएचडी के लिए सबसे पहले आप देखो कि आप कौन से कॉलेज में पीएचडी करना चाहते हो, देन इसके बाद आपको करना ये होगा कि उस कॉलेज उसका एंट्रेंस आप देख लें कि एंट्रेंस में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको पढ़ने के लिए बोला गया है, उन टॉपिक्स को पढ़ लो, बुक्स ऑब्वियसली रेफर कर सकते हो तो रेफर कर लो, बट क्योंकि एक कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती है, ज्यादातर यूजीसी नेट के ही सिलेबस से होता है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप गूगल से भी करके पढ़ सकते हो। ओके, चलिए प्लीज जितनी रिसर्चेस हमने आज के सेशन में पढ़ी हैं उनका छोटा छोटा सा नोट्स बना लेना, नेक्स्ट सेशन में जब हम पढ़ेंगे टाइप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प आएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। अब जल्दी से एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जिसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे, मेगा वर्कशॉप होने वाला है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह से रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करना है। As you all know, 2021 का पेपर देख लो आप, 2022 का पेपर जो हो चुका है जुलाई वाले बैच को उसको देखो तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस टीचिंग और रिसर्च से आए थे। नाउ टीचिंग और रिसर्च में जो हमारा सिलेबस है बड़ा छोटा सा है और बहुत कम चीजें उसमें लिखी है कि हमें पढ़ना है, बट एक्चुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो अब इतने ज्यादा डिटेल में आने लगे हैं, इतना ज्यादा टॉपिक्स आपसे उसके अंदर पूछा जाने लगा है, तो क्या चीजें पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी इन दिस वर्कशॉप विच विल बी हेल्ड ऑन द 2nd ऑफ सेप्टेम्बर 8 बजे, मतलब यही फ्राइडे को होगा। ठीक है, इसके लिए रजिस्टर करना होगा तो जरूर से रजिस्टर कर लेना। अच्छा, जाते जाते एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन जिसके बाद ही हम अपने सेशन को एंड करेंगे, आज 9 बजे यूट्यूब पे ही क्लास होगा बिल्कुल। ठीक है, चले Now quickly I'll talk about the homework question. So आज का जो आपका homework question है वो फिर से मैं teaching aptitude से दूंगी, and teaching aptitude से आपका जो question है कि जो आपके discourse method of teaching होता है वो क्या होता है, तो what is discourse method of teaching, you have to tell me। ठीक है, कुछ examples भी आप दे सकते हो, but definitely discourse method of teaching क्या है, please let me know that। अच्छा, यस, ये क्लास रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्ड आराम से रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, बाद में देखना, और जो भी कॉन्सेप्ट्स मिस हो गए हैं, नहीं क्लियर हुए हैं, एक बार वो पढ़ लेना। रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर आप देखोगे कमेंट्स में ही ब्लू बार दिया हुआ है, उस ब्लू बार को खोलो, लिंक दी हुई है, वहां पर रजिस्टर कर सकते हो। क्लास के बाद कॉमेंट्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी जहां से आप आराम से रजिस्टर कर लेना। ओके, चलो, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।